नमस्कार, ये दृश्य आप देख रहे हैं करनाल जिला खंड इंद्री के गांव खेड़ा स्थित राजकीय उच्च विद्यालय का, जहां पे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बीएस मलिक जी और अध्यापकों कर्मचारियों के द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट सोसाइटी के तत्वावधान में यहाँ पे स्वच्छता एवं पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में बीएस मलिक जी की अगुवाई में अनेक अध्यापक कर्मचारी और समाज से भी हिस्सा ले रहे हैं। अभियान में आम्रपाली, स्वर्ण रेखा आम, अमेलिया, इंडिका, चिनार, गेंदा सहित अनेक प्रकार के पौधे रोपे जा रहे हैं। स्कूल की तरफ से लिपिक अनिल रोहिला ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। अध्यापक महेंद्र खेड़ा ने गांव की तरफ से बीएस मलिक को आल स्पाइस का पौधा भेंट किया। अभियान में हिस्सा लेने के लिए करनाल से बाबा महादेव गिरी घरुंडा के गांव अराईपुरा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पंजाबी अध्यापक नरेश सैनी, अध्यापक संघ के पूर्व प्रधान मान सिंह चंदेल, सबरेज अहमद, लिपिक विवेक सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता सुरजीत सिंह हलवाना और सुदर्शन लाल घंटी सहित अनेक लोग यहां पे पहुंचे हैं। और गांव की तरफ से पंचायत सदस्य विकास काम्बोज, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान में पीएचडी कर रहे हेमंत काम्बोज, प्रदीप काम्बोज, लतीफ अहमद, अमरनाथ भीमड़ा, दिवाकर, शुभम पारो, अंशुल कश्यप, संतलाल कश्यप, नरेश वाल्मीकि सहित अनेक लोग यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। सब मिलकर पौधा रोप रहे हैं और साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। बीएस मलिक ने इस मौके पर कहा, पॉलीथीन पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है। पॉलीथीन व प्लास्टिक के कचरे को मिट्टी में डाल दिया जाना धरती की उर्वरता के लिए खतरनाक है, लेकिन इसे आग लगाकर खत्म करने की सोच और भी ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन को जलाने से जो धुआं व गैस पैदा होती है वह कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का कारण बनती है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें ठोस व गीले कचरे का अलग अलग प्रबंधन और प्लास्टिक के कचरे का पुनर्चक्रीकरण करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारियों को पैदा करने वाला वही कचरा उचित प्रबंधन के जरिए एक उपयोगी संसाधन बन सकता है। पेड़ पौधों से ही धरती की शोभा बढ़ती है और इनसे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण को कुचल कर आगे बढ़ने को विकास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। सच्चा विकास वही है जो कि पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर होगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य की हवस ही पर्यावरण के प्रति उपेक्षा का भाव पैदा कर रही है। उन्होंने स्वच्छता, पॉलीथीन मुक्ति व पर्यावरणीय सरोकारों के लिए मिलजुल कर कार्य करने का आह्वान किया। हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट सोसाइटी के द्वारा हर शनिवार को जिला करनाल के अलग अलग खंडों में इस तरीके के स्वच्छता और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और सोसाइटी के अनेक पदाधिकारी, सदस्य, आम ग्रामीण और नागरिक इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करते हैं। इन कार्यक्रमों की खास बात ये रहती है कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा के महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए श्री बीएस मलिक इन कार्यक्रमों की अगुवाई करते हैं। वे स्वयं समय निकालते हैं और श्रमदान करते हैं। अभियान के अंतर्गत जगह जगह बिखरे जो पॉलीथीन है, कूड़ा कचरा है, उसे इकट्ठा किया जाता है, साथ ही पौधे लगाए जाते हैं। और आज के समय की जो सबसे बड़ी त्रासदी है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो पर्यावरण के प्रति उपेक्षा है
और जिसके कारण से अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। ऐसे में इस तरह के अभियान का आगे बढ़ना एक शुभ संकेत है। लोग जितना अधिक इस तरह के अभियानों में शिरकत करते हैं, उतना ही हम एक बेहतर वातावरण सृजित कर सकते हैं, एक बेहतर वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। तो देखते रहिए ये रिपोर्ट, राजकीय उच्च विद्यालय खेड़ा खंड इंद्री जिला करनाल से खास रिपोर्ट। मास्टर जी, ये वीडियो बन रही है, ये फोटो उतरी है ना, आ जाओ जल्दी। हमारे समय में तो एक कनेर था, बस इसी की मास्टर छठी बना लिया करते आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा बनाया हुआ था, नहीं होता था ना ये भी था भाई वैसे ही। सर यह है ना कोने में, वहाँ जहाँ कमरे हैं, एक अमरूद था सर, और वो सारा साल अमरूद रहते थे उसमें। और जो है ना वो ऐसे उस पर ऐसे जाया कर रहे थे भाई, कोई पड़ा हुआ मिल जाए। और यहाँ एक पीएम था सर, जी वो पॉलिथीन कहाँ डाल रहे हैं, ये वहाँ रखा जी एक चीज़ है।
नहीं नहीं सर, हाँ उसको तो है ही कड़ी पत्ता।